हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका बीटा एंड गामा फंक्शन के लेक्चर नंबर 3 में। पिछले लेक्चर में हम बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करा था। आज हम इसकी थर्ड और आखिरी प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा। तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या फार्मूला दिया था इसका, डेफिनेशन में इसका फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एम एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन को और ऊपर वाली इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर साइन एक्स की जगह पर साइन थीटा जैसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है हमको, m-1 साइन थीटा एक्स, यहाँ पर 2 अलग से दिया हुआ है। तो हम इसको साइन स्क्वायर मान सकते हैं, मतलब कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि पुट एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हम पुट करके देखते हैं, हो सकता है कि एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इसमें पुट करने पर ये पूरी वैल्यू आ जाए। अगर हम एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा को पुट करते हैं तो हमारा डी एक्स क्या हो जाएगा। देखो, अगर हमने एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा को पुट करा हमने, तो साइन स्क्वायर थीटा का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सबसे पहले हम इस 2 को आएगा बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा डी एक्स, एक्स की वैल्यू हमको हमने पुट करी दी हमने। अगर हम एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी लिमिट हमारी दी हुई है 0 से 1। अगर हम एक्स की जगह पर 0 पुट करते तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, क्या ये ऐसा हो जाएगा 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पर क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगा, थीटा हमको 0। और अगर ठीक ऐसे ही हम अगर x की जगह पर 1 पुट करते तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, ये होती है पाई बाय 2 पे, मतलब कि थीटा हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से पाई बाय 2, मतलब कि पहले हमारी अपर लिमिट थी 1, लोअर लिमिट थी 0, अब हमारी अपर लिमिट हो जाएगी पाई बाय 2, लोअर लिमिट हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, तो ये सारी एक्स डी एक्स अपर लिमिट लोअर लिमिट लिमिट इन चारों को हम इस डेफिनेशन में पुट कर देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, ये बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 एक्स की जगह पर आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, स्क्वेयर को बाहर ले जाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 2m-1 ऑलरेडी है तो 2m-1 हो गया ये, इंटू 1 - x की जगह पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह पर आ जाएगा हमारा 2 sin θ cos θ d θ। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पर आएगा n-1। ठीक है, अब सही है, चलो इसको और सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अच्छा देखो, ये 2 को हम बाहर लिख सकते हैं हम, इस 2 को, तो इसको 2 को हमने बाहर लिख दिया हमने। अभी क्या हो जाएगा, साइन की पावर 2m-1 - 2। अब इधर देखो, इधर भी एक साइन थीटा दिख रहा है, तो ये दोनों का अगर इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 1 इंटू
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस की पावर कॉस थीटा की पावर, यहाँ पर साइन थीटा की पावर में आएगा, यहाँ पर कॉस थीटा की पावर में आएगा, टू से अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू एन माइनस टू कॉस थीटा का ये वन इसकी पावर है तो उसको प्लस वन कर देते हैं। कैसा है एक बार फिर से समझ लो, साइन थीटा की पावर थी टू एम माइनस टू प्लस इसका एक वन इसका लिख दिया टू एम माइनस टू प्लस वन, टू एम माइनस टू प्लस वन, ठीक इसी प्रकार से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और टू का मल्टीप्लाई एन माइनस वन से होगा तो हो जाएगा टू एन माइनस टू प्लस ये कॉस थीटा का ये वाला कॉस थीटा का क्या हो जाएगा वन आ जाएगा, तो टू एन माइनस टू प्लस वन, सेम जैसा हमने इसको करा है वैसा कैसा इसका हो गया, ठीक है, इंटू डी थीटा ऐसा कैसा इधर आ जाएगा, ठीक है। और आगे सॉल्व करते हैं, टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, माइनस वन हो गया साइन थीटा की पावर टू एम माइनस वन कॉस थीटा की पावर, सेम ऐसा ही हो जाएगा ये भी टू एन माइनस वन डी थीटा बीटा एम एन। ये हमारा ये तो हमारी प्रॉपर्टी थी, ये प्रूव हो गई ऐसी कैसी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी थी बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी, थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी। अब अगले लेक्चर में हम गामा फंक्शन देखेंगे हम, ठीक है, तो अगला लेक्चर देखना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।